are live. Tari week mo lang gawin ngayon. What's up? Hi! Hello everybody. Hi, good evening. What's up? So let everybody join. Or aaj बहुत ही ब्यूटीफुल डे है. लेट हुआ आप, मैं सिर्फ 3-4 मिनट लेट हूँ क्योंकि ब्लैक कॉफी बन रही थी, उसके वजह से लेट हो गया. लेट क्यों हुए, बस वही ब्लैक कॉफी बना रहा था तो उसके वजह से थोड़ा सा लेट हो गया. फाइनली हैप्पी मॉनसून. व्हाट्स अप एवरीबॉडी. सो पहली रिक्वेस्ट आना शुरू हो गई है एक तरफा. आज बहुत सारी प्रदीप, हाउ यू ब्रो, एक्साइटेड फॉर द बिग अनाउंसमेंट. ये जो बिग अनाउंसमेंट है ये लास्ट में होगा एंड ट्रस्ट मी इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल अनाउंसमेंट जो आज मैं करने वाला हूं. बट फर्स्ट ऑफ ऑल देर आर 23,000+ people there live. Thank you guys. Thank you for joining in and thank you for attending this live. आज बहुत सारी बातें करूंगा आपके लिए, कुछ गाने भी गाऊंगा. So let me start off saying thank you, a big thank you, क्योंकि last song एक तरफा उसको भी आप लोगों ने super hit as usual super hit बना दिया है. नौशाद भाई इज देयर, नौशाद भाई. और आज खूबसूरत दिन इसलिए है क्योंकि आज 6 million फैमिली हुई है हमारी इंस्टाग्राम पर एंड मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ. पिछले 2 महीने में 1 million फैमिली में बड़ा हुआ है एंड दैट रियली 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 मीन्स अ लॉट टू मी. थैंक यू नौशाद भाई. अ बिग 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 क्रेडिट गोज टू द एंटायर टीम इंडी म्यूजिक लेबल. नौशाद भाई थैंक यू फॉर मोटिवेटिंग. आई ऑलवेज से दिस कि मुझे बहुत कॉन्स्टेंट मोटिवेशन उनसे मिलता रहता है. And yes, 25,000 people. And let me start singing something. बताइए कौन सा गाना आप लोग सुनना चाहते हैं. थोड़ा सा मेरा गला थोड़ा सा खराब है तो मुझे माफ करना. प्रदीप गुप्ता, प्रदीप इज हियर. Yes, after a long time, my brother Pradeep is also there. And so good to see him here. आसमां से क्या खता हुई, तारा उसका टूटा क्यों, लोग मुझसे पूछते हैं साथ अपना छूटा क्यों, क्या मजबूरियां कैसी है दूरियां दिल ये समझे ना, होते प्यार में से भी इम्तिहान मैंने अब जाना, असल में तुम नहीं हो मेरे, 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 तुम नहीं. Thank you everybody. काफी दिनों से ये पेंडिंग था एक लाइव सेशन आप लोगों के साथ. बट थैंक यू गाइज फॉर लविंग मी सो मच. और मैं आई एम रियली थैंकफुल टू दिस टाइम क्योंकि ये पास्ट 2 महीने में मैं आप लोगों से बहुत ज्यादा कनेक्ट कर पाया हूँ, मैं आप लोगों को टाइम दे पाया हूँ एंड आप लोगों ने भी मुझे उतना ही वक्त दिया है. आपका बहुत वैल्यूबल टाइम मुझे दिया है एंड दैट रियली रियली मीन्स अ लॉट. सिद्धार्थ भावसार बाहर बैठे हैं और बाहर से कमेंट कर रहे हैं. आज कुछ हम करने वाले हैं, दैट्स व्हाई लास्ट में उनको भी बुलाएंगे. बट बहुत सारी बातें हैं एंड आई होप कि हर बार की तरह बहुत सारी बातें मुझे बोलनी होती है पर मैं भूल जाता हूँ. आई ऑलवेज वॉन्ट टू से लॉट ऑफ थिंग्स बट आई ऑलवेज फॉरगेट. बट यस, जितनी भी बातें कर पाए. सो एक बार ए माइनर.
बहुत सारे लोग मुझे कहते रहते हैं कि वो लोग मुझे मिलना चाहते हैं एंड दे वांट टू मीट मी व्हेन आई कम टू देयर सिटी. उनका सपना है कि वो मुझे मिले. मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि मेरा भी एक सपना है कि मैं हर एक फ़ैन से मिलूँ, हर एक फ़ैन के साथ बात करूँ, उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करूँ. दैट इज़ गोइंग टू बी अ ग्रेट थिंग फॉर मी. सो वेन एवर एवरीथिंग इज़ फाइन, वेन द सिचुएशंस आर नॉर्मल, मैं कोशिश करूँगा कि हर सिटी में मैं आऊँ और जितने भी मेरे प्यारे फैंस हैं उन सबसे मैं मिलूँ, उनसे बहुत सारी बातें करूँ. सर कप में क्या है? कप में ब्लैक कॉफ़ी है. जब भी मैं लाइव आता हूँ मैं नर्वस होता हूँ क्योंकि बहुत सारी एक्साइटमेंट होती है मेरे अंदर, बहुत सारी बातें करनी होती है एंड लॉट ऑफ थिंग्स गो इन माय हेड. सो आई हैव ब्लैक कॉफ़ी. आई सी लॉट ऑफ डीजेड वाले. अभी कल ही मुझे किसी ने कॉल किया, वन ऑफ माय फ्रेंड कॉल मी और एक बहुत ही अमेजिंग किस्सा मुझे सुनाया. या सो दैट फ्रेंड ऑफ माइन वाज प्लेइंग अ गेम, ऑनलाइन प्ले कर रहा था और जैसे पबजी होती है वैसी एक और गेम है सीओडी, उस पर ही वॉज प्लेइंग एंड 5 डीजेड वाले अकाउंट सामने आए एंड ही रोट दैट अगर आप लोग दर्शन रावल के फैन हैं तो प्लीज़ गेम हार जाना एंड all of them lost the game. So he personally called me, मुझे call किया और बताया कि यार आज कुछ 5 तेरे fans were playing the game and I told that अगर दर्शन रावल के आप पक्के fan हो तो हार जाना है, वो लोग game हार गए. बहुत छोटी चीज़ है but it really means a lot. ऐसी छोटी छोटी चीज़ें ही मुझे काफ़ी affect करती है आप लोगों की. दर्शन always there with you in your journey indie music label. Thank you. मेरी ही जर्नी नहीं बट बहुत सारे इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट और म्यूजिक को इंडी म्यूजिक लेबल सपोर्ट करता है. सो आई एम थैंकफुल फॉर सच अ ग्रेट इनिशिएटिव दैट इंडी म्यूजिक लेबल इज डूइंग और यू ऑल नो द रेस्ट ऑफ द थिंग्स. सो बता दूं क्या है अनाउंसमेंट. अरे ऑल्सो आज हर बार मैं कंप्लेन करता हूँ, आज भी मुझे बहुत सारे जिंदगी गुलजार है. आई रियली लव द काइंड ऑफ पोस्ट यू डू. जिंदगी गुलजार है हैज अ कमेंट एंड इट इज़ अमेजिंग. मैं आपको पर्सनली फॉलो करता हूँ और आप जब भी कुछ पोस्ट करते तो मैं देखता हूँ उसे एंड इट इज़ अमेजिंग. ग्रेट जॉब यू आर डूइंग. ऐसे ही अच्छा काम करते रहिए. बट व्हाट आई वाज सेइंग इज़ के आज इंडी म्यूजिक ने एक पोस्ट डाली थी जिसमें लिखा था कि अगर आप मुझे कुछ पूछना चाहते हो, क्योंकि मैं हमेशा कंप्लेन करता हूँ कि सिर्फ मुझे हाय हेलोज और हार्ट्स दिखते हैं, सो क्वेश्चंस रह जाते हैं. तो बहुत कुछ क्वेश्चंस इंडी म्यूजिक लेवल ने मुझे भेजे हैं. आज उन सारे सवालों के जवाब मैं देने वाला हूं आप सबको. और लास्ट में अनाउंसमेंट क्या है, आप तब तक गेस करो कि अनाउंसमेंट क्या होगा. सो आफ्टर दिस सॉन्ग वी विल स्टार्ट reading the questions that we have today, जो आप लोगों ने भेजे थे मुझे. I'm going to read and reply to a lot of people. तेरा जिक्र जिसमें हुआ ना हो, मेरे पास ऐसा लम्हा ना हो, मैंने जिसमें तुझको मांगा नहीं, मेरे पास ऐसे कोई लम्हा ना हो, बाखुदा मुझे खोने के बाद एक दिन तुम मुझे याद करोगे, फिर देखना मिलेगी मुझसे तुम फरियाद करो. जब मैं लिरिक्स भूलता हूं तो इधर जुगल है वो बहुत हंसता है, उसको लगता है वो उसने अपना बदला ले लिया. जुगल तुम कुछ सुनाओगे लास्ट में? लाइव कितने 26,000 लोग सुनेंगे एक साथ. ठीक है गाइस, आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ द क्वेश्चंस दैट वी हैव गॉट टुडे. सो पहला क्वेश्चन है, डू यू ट्रैवल फॉर इंस्पिरेशन? वैसे तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ट्रैवल ही करता रहता हूँ कॉन्सर्ट्स के लिए,
और वक्त नहीं मिलता खुद के ट्रैवल के लिए, तो वक्त निकालना पड़ता है. अब जब वक्त मिला खुद के लिए तो कहीं बाहर नहीं जा सकते. बट यस, व्हेन आई ट्रैवल, मैं जब कॉन्सर्ट के लिए ट्रैवल करता हूँ तो लोगों से मुलाकात होती है, अलग शहर में जाते हैं, तो आई जस्ट फाइंड माई इंस्पिरेशन देयर. वहाँ से लोगों से आई ऑलवेज टेल कि मेरा म्यूजिक लोगों से जुड़ा हुआ है. सो यस, आई डेफिनेटली, बट कुछ गाने हैं जो मैंने बनाए हैं वाइल ट्रैवलिंग, जो आप लोगों ने सुने भी हैं, उनकी इंस्पिरेशन कहीं ना कहीं व्हेन आई वाज ट्रैवलिंग आई हैव गॉट दैट. एनी स्पेशल चाइल्डहुड मेमोरीज? बहुत सारी है यार, अगर स्पेसिफाई तो नहीं कर पाऊंगा, बट देर आर मिलियंस ऑफ मेमोरीज दैट आई हैव. एक स्पेसिफिक मेमोरी, एक पेंटियम 4 मेरे पास सीपीयू हुआ करता था और मेरे पास 100 रुपए का माइक था, और मैं तब से ही आई यूज टू मेक माई सॉन्ग्स एंड आई यूज टू रिकॉर्ड इन दैट. संडे सुबह एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होती थी क्योंकि उठते थे और वही दिन होता, बाकी रेस्ट ऑफ द दिन पढ़ाई करनी होती तो फैमिली अलाउ नहीं करती, तो संडे के दिन उठ के जल्दी से, मतलब पूरा दिन होता था. सो आई यूज टू मेक माई सॉन्ग्स और बहुत ही इमेच्योर सॉन्ग्स होते थे, बट आई यूज टू मेक एंड रिकॉर्ड. उस 100 रुपए के माइक को हम ऐसे ट्रीट करते जैसे करोड़ों का माइक है, और उस माइक की वैल्यू, मतलब दैट माइक हैज, कंपनी का नाम मैं भूल रहा हूँ, बट वो माइक का मतलब काफ़ी पार्ट है मेरी जर्नी में. सो दैट इज़ वन मेमोरी, एंड बहुत सारी मेमोरीज थी. स्कूल में भी हम लोग जैम करते थे एंड बहुत ज़्यादा, आई थिंक आई हैव ऑलवेज बीन वेरी पैशनेट अबाउट म्यूजिक. मतलब मैं म्यूजिक करने के लिए आज से 10 साल पहले जितना पैशनेट था, आज भी सुबह जब उठता हूँ तो उतना ही मैं पैशनेट हूँ. आई एम दैट एक्साइटेड. आज भी जब गाना बनाना होता है तो मेरी जो दिल की धड़कन है वो तेज़ हो जाती है. आई बिकम नर्वस व्हेन आई एम मेकिंग सॉन्ग, आई बिकम इमोशनल व्हेन आई एम मेकिंग सॉन्ग, आई बिकम हैप्पी व्हेन आई एम मेकिंग सॉन्ग. सो कभी भी यू विल सी मी रैंडमली ऐसे ही मैं बैठा हूँ एंड आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज मैंने आज एक अच्छा गाना बनाया है, और आई एम वेरी सैड बिकॉज आज कुछ मेरे से बना नहीं. बहुत वैसे मेरे मूड स्विंग्स आते हैं, मैं बोलता ही जाऊँगा. फेवरेट लेजेंडरी सिंगर, पर्टिकुलर इंडिया में बात करें तो लॉट ऑफ सिंगर्स है, बहुत सारे सिंगर्स हैं जिनको मैं, मतलब उनसे सीखता हूँ, उनको सुनता हूँ. किशोर कुमार, अरिजीत सिंह, श्रेया घोषाल, सोनू निगम, एंड द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन. मैं सबको बहुत सुनता हूँ एंड आई थिंक उनको सुन सुन के ही मैं सीखा हूँ. सो या, हाउ डू यू मैनेज टू इम्प्रेस फैंस अक्रॉस डिफरेंट एज? मैं ऐसा कुछ मैं नहीं करता हूँ. मुझे पता ही नहीं चलता कि कैसे हर मेरी बात आपको अच्छी लग जाती है. बट आई एम वेरी थैंकफुल टू यू गाइस कि आप मुझे हर हालत में पसंद करते हैं, एंड मैं ज़्यादा, आई डोंट ट्राई टू बी somebody what आई एम नॉट, आई जस्ट ट्राई टू बी what आई एम naturally, एंड वही आप लोग मुझे जो सोशल मीडिया पे देखते हो, यू हैव मेड efforts that आर enough फॉर us. अरे नहीं, आप लोग बहुत ज़्यादा करते हो मेरे लिए, एंड ट्रस्ट मी, नॉट ओनली मी बट माई एंटायर फैमिली, माई एंटायर फ्रेंड्स एंड द पीपल आई वर्क विथ, दे ऑल रिस्पेक्ट यू गाइज सो मच. क्योंकि वो लोग हमेशा मुझे कहते रहते कि यार गजब फैंस है, गजब फैमिली है तुम्हारी, कि इतना प्यार करती है, इतना सपोर्ट करती है, छोटी छोटी बात पर आप लोग, यू आर ऑलवेज देयर एंड वॉट एल्स आई वुड वॉन्ट. इफ यू हैड टू सिंग लाइव इन फ्रंट ऑफ एनी वन हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी, हु वुड यू चूज एंड वाई वुड यू? ऐसा कुछ दिमाग में नहीं आ रहा मेरे किसी स्पेसिफिक, पर मैं मेरे फैंस के लिए ही गाऊंगा. मेरे लिए सबसे ज़्यादा हिस्टोरिकल लोग वही हैं, और मैं, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट वही लोग हैं. सो आई विल सिंग फॉर देम ओनली. फेवरेट स्पोर्ट्स एंड व्हाई? आई लव स्विमिंग, आई लव क्रिकेट. क्रिकेट मैं जुगल से बेटर खेलता हूँ. याद आ रहा है, हंस रहा है वो, तारा दर एक बॉल पर मैं सिक्स मारी है. व्हाट डिड यू एंजॉय डूइंग विद योर फ्रेंड्स? पीछे हंसी की आवाज आ रही होगी. We chill, we talk, we see movies, we travel, we go on long rides and we do lot of things. जो आप लोग अपने दोस्तों के साथ करते हैं वो सारी चीजें मैं करता हूँ. What is the best and worst purchase you have ever? मैं बहुत बार यार, मैंने कुछ कुछ जूते मंगवाए हैं और कभी फिट नहीं हुए, कभी कभी ये है, और सिर्फ ऐसे ही अच्छे लग गए तो मंगवा दिए हैं, तो बहुत इश्यूज हुए हैं. मैंने चीज़ें मंगवाई हैं एंड आई हैव बीन नॉट हैप्पी, बट मोस्टली विद शूज़ ओनली, और जूतों के साथ ही मैं सबसे ज़्यादा खुश हुआ हूँ. वर यू बुलीड एज अ किड? आई हैव बुलीड पीपल, मुझे, मैं बुली नहीं हुआ हूँ, मैंने बुली किया. वर योर पेरेंट्स स्ट्रिक्ट?
माई फादर वॉज अ लिटिल स्ट्रिक्ट, भारी है अभी सुनेंगे तो आ जाएंगे मैं कब स्ट्रिक्ट था, बट या स्ट्रिक्ट इन सेंस जो नॉर्मली होते हैं पढ़ाई के लिए, आके आप पढ़ाई करो फोकस करो. तो अनमोल डैनियल इज ऑल्सो देयर. सिद्धार्थ भाई अंदर आ भी जाओ ने, कम इन साइड. सो मॉम वॉज ऑलवेज वेरी वेरी हैप्पी दैट आई वॉज डूइंग म्यूजिक एंड बहुत सपोर्ट था. डैड भी सपोर्ट, डैड का ये था कि सैटरडे संडे करो, परस्यू इट एज अ हॉबी, जो तेरा जिक्र में लाइन यूज की है कि इट्स एन हॉबी नॉट अ प्रोफेशन, तो वो उनका था कि दैट यू ऑल नो दैट. बट या दे वर वेरी सपोर्टिव एंड अब तो बहुत सपोर्ट करते हैं. अभी तो मेरे डैड इज द फर्स्ट क्रिटिक टू द सॉन्ग, ये लिसन देंगे या बराबर ना थी, या बराबर अच्छी, दिस गुड इज नॉट गुड, सो इज देयर. व्हाट गॉट यू इनटू म्यूजिक? आई थिंक म्यूजिक इज लाइक मैजिक. द इमोशंस आई फील व्हाइल डूइंग म्यूजिक आई डोंट फील इट एनीवेयर. आई थिंक एक अलग ही दुनिया है म्यूजिक, और इट्स ब्यूटिफुल व्हेन आई डू म्यूजिक. आई लव, मैं कुछ बातें मुझे लगता है कि जैसे इफ यू सी मी टॉकिंग ऑल्सो. वेलकम वेलकम, आओ आओ. मिस्टर भावसार इज हियर. सो यस, आई थिंक मैजिक, आई मुझे लगा कि म्यूजिक मैजिक है और इसीलिए आई स्टार्टेड डूइंग म्यूजिक. हैव यू एवर डेल्ट विद परफॉर्मेंस एंग्जाइटी अलॉट? जब शुरू शुरू में बहुत ज़्यादा होती थी, पैसा ना भाई, सो बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में, क्योंकि कभी फेस नहीं किया था इतना ऑडियंस या रियलिटी शो में कैमरे के सामने परफॉर्म करना, तो वो होती है. बट आई थिंक लोग आसपास आपको सपोर्ट करते हैं, बोलते हैं बी काम एंड सो यस, आई हैव फेल्ट परफॉर्मेंस एंग्जाइटी. व्हाट डू यू लाइक टू डू व्हेन यू हैव स्पेयर टाइम? गाने ही करते हैं, म्यूजिक करते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई लव वॉचिंग टीवी. अभी पिछले 6 महीने से तो यही कर रहे हैं कि हॉल में बैठे हैं या बेडरूम में जाते हैं, वहाँ से ट्रांसफर होकर दूसरे रूम में जाते हैं, स्टूडियो में आ जाते हैं, सो वही करते हैं. इफ यू वेरंट फेमस, व्हाट वुड यू बी अप टू राइट नाउ? वो तो नहीं पता कि अगर फेमस नहीं होता तो भी ऐसा ही होता कुछ, मैं कुछ ज़्यादा फर्क नहीं होता. बट हाँ, अगर म्यूजिक नहीं करता होता तो बहुत दुखी होता. कहीं पार्ट टाइम जॉब करता होता या कुछ ना कुछ, आई वुड बी अ डेस्क पर्सन, वेरी सैड इन लाइफ, बहुत ही ज़्यादा जिंदगी से रूठा हुआ होता मैं. बट आई एम नॉट, थैंक्स टू यू गाइज, यू हैव मेड मी फेमस एंड यू हैव सपोर्टेड मी ऑलवेज. हु इज द मेसीएस्ट पर्सन यू नो? राइट, जो कैमरे के पीछे हैं, जुगल सोनी मेरे दोस्त हैं, वो बहुत ज़्यादा मेसी हैं. ये सब मत बोलो. What would you like to remember about me? मैं चाहता हूं कि जब जब मुझे लोग याद करें तो मेरे साथ मेरे फैंस को भी याद करें कि एक आर्टिस्ट था और उसके ऐसे फैंस थे जो उसको उतना सपोर्ट करते. तो आई वुड लाइक टू बी रिमेंबर्ड विथ माई फैंस, और आई वोंट वॉन्ट टू बी रिमेंबर्ड. हाउ डिड योर जर्नी विथ इंडी म्यूजिक लेबल बिकन? कुछ सालों पहले नौशाद खान saw the power of independent music and he thought let's bring independent music bade scale par India mein, let's do it on a bigger scale, and that's how he started indie music label. And mujhe bahut support kiya, mere music ko trust kiya, and he gave me a platform ki main aap logo tak aur bade gaane aur khoobsurat videos aap tak lekar pahunchu. And now I think that has established, and bahut sare aage bhi indie music label ke बड़े खूबसूरत गाने आ रहे हैं, बड़े न्यू आर्टिस्ट आर कमिंग इन एंड ब्यूटीफुल सॉन्ग्स आर कमिंग इन. एक तो सिद्धार्थ भाई का गाना भी आ रहा है, इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, नाम अभी नहीं बोलूंगा. व्हाट इज योर ड्रीम इन लाइफ? इसके बारे में अंत में बात करेंगे. व्हाट्स नेक्स्ट फॉर ब्लू फैमिली? इसके बारे में भी अंत में बात करेंगे. कुछ क्वेश्चंस अभी थोड़ा स्पीड में करूंगा, वरना पता चला यहाँ जो लोग हैं वो बोर ना हो जाए. शिवानी _02 सेकेंड टैटू ऑन हिज नेक मींस? कोई नहीं जानता मेरे अलावा, किसी को भी नहीं पता, सिर्फ अफवाहें हैं कि ये है. फर्स्ट और थर्ड आप लोग जानते हैं, सेकेंड किसी को नहीं पता. इट्स कम्प्लीटली द वन थिंग दैट आई ओनली नो. आज 6 मिलियन कम्प्लीट हो गए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ मैं, वेरी हैप्पी. और जैसे जैसे ये नंबर्स बढ़ रहे हैं मुझे और कॉन्फिडेंस आ रहा है.
और एक चीज है जो मैं लास्ट में बताऊंगा, वन वर्ड फॉर योर बांग्लादेशी दर्शनर्स, लव यू गाइस, आई एम रियली सॉरी कि मैं अभी तक वहाँ परफॉर्म करने नहीं आ पाया, बट लेट थिंग्स गेट नॉर्मल. मैंने पहले भी प्रॉमिस की है, बट वेरी 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 सून आई विल कम देयर एंड सिंग. मराठी सॉन्ग आएंगे जल्दी से. Say something about we Darshanas and how does he feel to have such a dedicated fan? I feel honored and feels like a dream every morning. I, क्योंकि कुछ सालों पहले ही कुछ नहीं था और अभी इतने सारे लोग हर रोज इतना सपोर्ट करते हैं. I keep seeing comments on YouTube, on my Instagram, on my pictures, and it is very emotional for me. When every morning I get up and now I have एक thought हमेशा मेरे दिल के अंदर रहता है कि इतने लाखों लोग मुझे पसंद करते हैं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो बट आई, यू गाइज गिव मी अ मोटिव टू गेट अप एवरी डे एंड डू समथिंग ब्यूटिफुल फॉर यू गाइज. एक वार्डरोब टूर मिलेगा, अभी बहुत मेस्ड अप है. अभी एक शूट करके आया हूँ मैं, फोटोशूट, तो सारे कपड़े इधर इधर उधर. डू यू लाइक रीडिंग बुक्स और राइटिंग? आई लव राइटिंग बट नॉट रीडिंग बुक्स. नहीं, मैं नॉवेल नहीं पढ़ता हूँ. कैन यू एक्सपेक्ट you to be a little more active on Twitter also, because Twitter is missing you. मैं Twitter पे Twitter sessions करते रहता हूँ. वहाँ पर भी बहुत ही amazing बातें होती रहती है, emotional बातें होती रहती है. So yeah, I'll be more active there as well. Are you a long drive person and any song crying partner? फिर ले आए दिल is a song that I really love. और long drive में non-stop सुन सकता हूँ दोनों version, and I can cry on that song. What does Darshan do when he craves for junk food during dieting? एक तो पहले मैं आपको एक सीक्रेट बताना चाहता हूँ कि घर में चॉकलेट्स कभी बचती नहीं है. जुगल दरवाजे पर ही कभी भी, जैसे आप लोग गिफ्ट भेजते हो तो चॉकलेट्स बहुत सारी आती हैं, तो जुगल दरवाजे पर ही खड़े होकर सारी चॉकलेट्स खत्म कर देता है. केक घर में रहती नहीं, तो मुझे क्रेविंग होती है और मीठा खाने की सबसे ज़्यादा, तो कुछ बाकी नहीं रखता है. तो अभी हमने बैन कर दिया है कि नहीं चाहिए. अच्छी बात है, कुछ बाकी नहीं रखते. करंट फेवरेट वेब सीरीज डेयरडेविल अभी देख रहा हूँ, और देख रहा हूँ पीकी ब्लाइंडर्स. व्हाट इज वन थिंग दैट ऑलवेज चीयर्स यू अप व्हेन यू आर फीलिंग लो? अब ये बोलूंगा तो आपको लगेगा कि हर चीज में ये कह रहा है, बट व्हेन आई गो ऑनलाइन एंड आई सी योर मीम्स एंड एवरीथिंग, तो इट रियली मेक्स मी हैप्पी. मैं बहुत ज्यादा स्टॉक करता हूँ आप लोगों को, लेट मी टेल यू दैट ऑल्सो. एक थीम तो नहीं बन सकता सिद्धार्थ भाई, आपको थीम बनाना पड़ेगा मेरी लाइफ के ऊपर. When you look back on your 19-year-old self, what advice would you give to him? That beautiful things are written for you, so be prepared. And बहुत खूबसूरत चीजें होने वाली है तुम्हारी जिंदगी में. और बहुत सारे questions हैं, but इतने ही अभी मैं करता हूँ. But I promise, आगे भी आप सबके क्वेश्चंस मैं लेते रहूंगा, आप सबको, आप सबके साथ बात करते रहूंगा. पर अभी कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है आप लोगों से, जिसके लिए आप लोग एक्साइटेड होंगे. बहुत दिनों से एक हैशटैग चल रहा है और वो हैशटैग का नाम है हैशटैग बिग अनाउंसमेंट. गेस करो, चलो आई एम रीडिंग योर कमेंट्स. गेस करो क्या होगा ये बिग अनाउंसमेंट. बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि दर्शन शादी करने वाला है, उसकी गर्लफ्रेंड को रिवील करने वाला है. आई हैव सीन द हाय ध्रुवल, व्हाट्स अप. सो गेस करो, आई वांट टू सी व्हाट यू गाइस आर राइटिंग, व्हाट वुड बी द बिग अनाउंसमेंट. अभी भी मुझे सिर्फ हाथ दिखाई दे रहे हैं. सो वक्त आ गया गाइस फॉर द बिग अनाउंसमेंट, बट आई वांट टू सी व्हाट. कभी अपने पापा से पिटाई, मेरे फादर ने कभी मेरे पे हाथ नहीं उठाया, नेवर इन हिज लाइफ. मॉम ने बहुत पीटा है, बट वो भी एक दिन मुझे ज्यादा लगी थी, उसके बाद छोड़ दिया उसको कभी नहीं. पर बच्चों ने बहुत, मम्मी ने बहुत मारा है मुझे. एंगेजमेंट विनोद, यू फाउंड कोविड वैक्सीन्स? नहीं दीपेश यार, होप कर रहे हैं हर रोज, बट यू बी सेफ वेरी वेरी यू आर. तारे वधारे बाहर रखड़वानी आदत छे, ले तू ध्यान रख दे. दीपेश सोनी, राम राम सर. मैरिज नहीं, न्यू शो नहीं, बिग अनाउंसमेंट कहा है मैंने. करो गेस करो.
हाँ शॉकिंग नहीं है, मैरिज एंगेजमेंट नहीं है, मूवी नहीं, समथिंग वेरी बिग, गर्लफ्रेंड है क्या यार तुम लोग भी, एंगेजमेंट ही है क्या? सो लेट मी ब्रेक दिस डाउन टू यू, सर आइए, नहीं नहीं चालू है, लाइव चालू है, अभी बस ब्रेक कर रहा हूं, बिग अनाउंसमेंट। सो आज सुबह मैंने एक पिक्चर अपलोड की थी और उसमें मैंने लिखा था कि कमेंट एंड टेल मी व्हाट आर योर ड्रीम्स, और आपके बहुत ब्यूटीफुल जवाब आए थे, आई रेड लॉट ऑफ कमेंट्स और बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, बहुत सारे लोगों के खुद के अपने सपने थे, कई सारे लोग मुझसे मिलना चाहते थे, मुझसे बात करना चाहते थे, अपना ब्रांड नहीं 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 गाइस नहीं। सो आज मैं आपको मेरा एक सपना शेयर करने वाला हूं, काफी काफी सालों से मैं इस चीज के लिए बहुत ज्यादा हिम्मत जुटा रहा था, आई वॉज रियली प्रिपेयरिंग माई सेल्फ, वर्चुअल कॉन्सर्ट नहीं, सो आई वॉज रियली प्रिपेयरिंग फॉर दिस डे कि मैं एक दिन जाकर लाइव जाकर मेरे सारे फैंस को ये चीज बताऊंगा, एंड so finally let me tell you guys that I am coming up with my first ever album, तो मेरा पहला जिंदगी का एल्बम आ रहा है, और एक हर आर्टिस्ट का एक ड्रीम होता है कि वो अपना एक एल्बम करे और अपने आप को उस एल्बम में पूरा खर्च कर दे, so this year दर्शन रावल is going to bring one album only for his fans. बहुत ज़्यादा आप लोगों ने इस साल मुझे सपोर्ट किया है, बहुत ज़्यादा आप लोगों ने मेरे हर गाने को प्यार दिया है, and I think this is the right time that I should come up with an album. और ये बड़ी न्यूज़ इसलिए है क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी का एक सपना था कि एक दिन मैं आप सबके लिए एक एल्बम करूँ जिसमें बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत गाने हों, और जैसे कि मैंने कहा कि आर्टिस्ट अपने आप को खर्च कर देता है एक एल्बम के अंदर, तो मैं इस एल्बम पे बहुत ऑलरेडी काफ़ी टाइम से आई एम वर्किंग, यू आई गाइज नो कि कितने सालों से मैं कह रहा हूँ आई एम वर्किंग ऑन द एल्बम, एंड फाइनली दिस विल बी द बिगेस्ट ऑफ 2020 नौशाद खान, थैंक यू भाई, थैंक यू. सो यस गाइज, एल्बम का नाम नहीं बताने वाला, एल्बम कब आएगा ये भी नहीं बताने वाला, बट आई थिंक आई होप, मेरे लिए तो बहुत बड़ी चीज है ये, एंड आई होप दैट हाँ अब से दिस इज नॉट गोइंग टू बी माय एल्बम, हमारा एल्बम होगा, दिस न्यूज रियली अमेजिंग, एक्साइटेड सो मच, बाकी की सारी डिटेल्स आप सबको मैं बहुत जल्दी बताऊंगा, क्या है, कब है, क्या नाम है, कितने गाने हैं, हिंदी म्यूजिक लेवल वी आर इक्वली एक्साइटेड, थैंक यू ध्रुवल। सो बस इतनी सी बात थी, एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल देयर, थैंक यू गाइस, आज काफी सारी बातें हुई, एंड जितने लोगों ने ये एक्सपेक्ट किया था कि दर्शन अपनी शादी की बात करेगा, अपने एंगेजमेंट की बात करेगा, आई एम रियली सॉरी, एंड क्या हुआ सिद्धा भाई तुम्हारे, वेट एंड लिसन, एवरी सॉन्ग is for you guys, and abhi zyada baat nahi karne ki, abhi thoda time rukte hain, aap dekhte jao kya kya hota hai, but be with me like always, support me, darshan rawal, ek to mere hi naam se itne sare account hai na, main confused ho jata hu, jugal tum samne baith ke ek gana gana chahoge koi, bolo na, हेलो बोलो, हेलो हेलो, लोगों को यकीन लगे बैठा हुआ ना बोलेंगे एक्टिंग कर रहा है पीछे कोई नहीं, एक बार बोलो मेरे लिए, एक बार चलो, बेस्ट ऑफ लक मेरे को बोलो, आवाज बैठी, बेस्ट ऑफ लक बोल दो, चलो बेस्ट ऑफ लक, रुद्रा इज देयर, रुद्रा इज प्लेइंग द पियानो, सीधा भी एक बार बगाड़ो एक तरफा, जाने से पहले एक तरफा तो बनता है आप सबके लिए, थोड़ा नीचे रह जाओ, गहू थोड़ा ट्रांसपोर्स।
गेट रेडी फॉर द एल्बम गाइज, और इस बार मिलकर फोड़ेंगे. अखियों से दरिया बह गया, ख्वाब वो अधूरा रह गया, जग भी पराया हो गया, हाय जुदा तेरा साया हो गया, तेरी दुनिया मुझे अब नागवारा है, पर तू हसदी रे बस यही सहारा है. मोहब्बत हो गई थी दोनों को एक अरसा हो गया, मेरा ये इश्क था दो तरफा अब एक तरफा हो गया. थैंक यू गाइज. सो आज के हमारे ब्रेकिंग न्यूज ये थे कि मैं आई एम कमिंग अप विद द एल्बम एंड जल्दी से मिलते हैं. अभी बाकी सारी ये रहा जुगल सोनी. थैंक यू गाइज फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट. लव यू ऑल एंड स्टे ट्यून्ड. दिस ईयर इज गोइंग टू बी मैजिकल. लव यू ऑल. अपना अपना ध्यान रखो, ख्याल रखो, बी सेफ. कोशिश करो कि ज्यादा काम के अलावा बाहर ना जाओ. अपने अपने फैमिली का ध्यान रखो. एंड I will be back soon and love, lots and lots of love to my 6 million family. Take care. Bye. Spend now.